हेलो फ्रेंड, आज मैं नया वीडियो में स्वागत है। आज मेरा पास है HF डिलक्स B6 मॉडल गाड़ी, उसका एक्सीलेटर वायर नया डालने वाला है। तो एक्सीलेटर केबल उसका पूरा जाम होकर टूट गया है, तो हमने इसमें नया एक्सीलेटर केबल फिटिंग करने वाला है। मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका जो एक्सीलेटर केबल जो फिटिंग करता है मैकेनिक लोग भाई लोग बहुत गलत तरीके से फिटिंग करते हैं। उसके वजह से जो एक्सीलेटर केबल जल्दी ख़राब हो जाता है और जाम हो जाता है। इसका प्रॉपर कैसा अच्छे तरह से फिटिंग करने वाला है ये आप मेरा वीडियो में देख लीजिए। वीडियो को स्किप मत करें, पूरा आखिर तक बने रहें, आखिर तक मेरा वीडियो देखिए। हमने पुराना एक्सीलेटर केबल निकाल दिया है और उसमें थोड़ा लुब्रिकेंट करेंगे ग्रिप सेट को। ये हमने नया एक्सीलेटर केबल फिटिंग कर दिया है। फिटिंग करने से पहले थोड़ा उसका जो ब्रेक का जो योक है उसको थोड़ा ढीला करके आगे बाजू ढकल देने का, उसके बाद इसमें केबल पहला इसमें फंसा के फिटिंग कर देने का। अभी वहाँ से फिटिंग हो गया। फिटिंग होने के बाद में यहाँ पे दो जो टोटल बॉडी में दो होल है, दो होल में जो ऊपर बाजू में वो जो होल है उसमें केबल फिटिंग होएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पहला यहाँ पे फंसा लेता है, उसके बाद में जो ग्रिप सेट में उसके बाद में फिटिंग करता है। उसके क्या होता है, उससे जो केबल है वो केबल को घुमा घुमा के फिटिंग करता है। फिटिंग करने की वजह क्या होता है, केबल जाम हो जाता है जल्दी और वहीं पर जो एडजस्टर नट है वहीं से जल्दी टूट जाता है। तो इसको ऐसा फिटिंग बिल्कुल ना करें, पहला वहाँ फिटिंग करने का उसके बाद में यहाँ पे फिटिंग करना है। क्योंकि यहाँ पे फिटिंग होता है कितना प्ले रखने का कितना प्ले नहीं रखने का। ऐसा वीडियो देखने मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद।